हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाखों पर्यटक पहुंचे जैसलमेर, पार्किंग का अभाव। नगर परिषद क्षेत्र में पर्यटकों की कार पार्किंग हेतु गड़ीसर पार्किंग, किला पार्किंग और मूल तालाब पार्किंग के ठेके देकर नगर परिषद सालाना लाखों रुपए अपनी तिजोरी में भर रही है, परंतु पार्किंग क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं। गुरुवार को संवाददाता ने मौका मुआयना किया तो देखा ठेकेदार पर्यटकों से पार्किंग चार्ज कर उन्हें गाड़ी पार्क करने हेतु जगह उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। पर्यटक दुखी हो रहे हैं। स्वर्ण नगरी में इन दिनों पर्यटकों की बम्पर आवक है। नए साल के स्वागत के लिए लाखों सैलानी जैसलमेर पहुँच चुके हैं। यहां आने के साथ ही पर्यटकों को स्वर्ण नगरी भ्रमण से पहले पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। स्वर्ण नगरी में हनुमान चौराहा पर भी पार्किंग के लिए कोई स्थान नहीं है। पूर्व में इसके लिए महाराणा प्रताप मैदान में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन तथा सकारात्मकता के अभाव में ये योजना भी फलीभूत नहीं हो पाई। इसके अलावा प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस योजना को रिजेक्ट भी कर दिया गया है। इसी शहर के इस भाग में पार्किंग की समस्या का कभी निदान नहीं हो पाएगा। गौरतलब है कि प्रताप मैदान के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जबकि पूर्व में मेलों व आमजन द्वारा शादी समारोह के लिए मैदान का उपयोग करने से नगर परिषद को भी राजस्व प्राप्त होता था, जो अब पिछले लंबे समय से बंद है। इसके बाद अब नगर परिषद द्वारा महाराणा प्रताप मैदान में अंडरग्राउंड की जगह सामान्य पार्किंग की तैयारी की जा रही है। इसके लिए नगर परिषद ने तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। आगामी कुछ ही दिनों में टैक्सी स्टैंड के नाम से नगर परिषद द्वारा टेंडर निकाले जाएंगे, जिसके बाद वर्क ऑर्डर जारी कर काम शुरू करवाया जाएगा। स्वर्ण नगरी में इन दिनों पर्यटकों की आवक है, जिससे उन्हें पार्किंग के लिए खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महाराणा प्रताप मैदान में पार्किंग शुरू होने के साथ ही पर्यटकों के वाहन पार्क करने की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। पार्किंग स्थल नहीं होने से यहां पहुंचने वाले सैलानियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रिंग रोड पर सैलानियों के वाहनों को पार्क किया जा रहा है, लेकिन सैलानियों की बम्पर आवक के चलते वो भी छोटा पड़ रहा है। इन दिनों लाखों की संख्या में सैलानी जैसलमेर पहुँच रहे हैं। कई सैलानी अपने निजी वाहन में जैसलमेर पहुंचे हैं। ऐसे में उन्हें भ्रमण के दौरान वाहन पार्किंग के समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रिंग रोड पर नगर परिषद द्वारा पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन पर्यटकों की बम्पर आवक को देखते हुए वो व्यवस्था बौनी साबित हो रही है। शहर में कहीं भी पार्किंग व्यवस्था सही नहीं। स्वर्ण नगरी अब एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में शामिल हो चुकी है। यहाँ हर साल लाखों सैलानी भ्रमण के लिए आते हैं, लेकिन उसके बावजूद शहर में कहीं भी पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं होने से पर्यटकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रिंग रोड पर पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन ये पर्यटन सीजन के चरम पर नाकाफी साबित हो रही है। महाराणा प्रताप मैदान में कुछ साल पहले अंडरग्राउंड पार्किंग की फाइल नगर परिषद द्वारा तैयार की गई थी। इसके बाद महाराणा प्रताप मैदान में मिट्टी तक के सैंपल लिए जा चुके थे। इस सैंपल के आधार पर DPR भी बन गई, लेकिन इसी बीच प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा इसे रिजेक्ट करने से ये योजना ठंडे बस्ते में चले गई है। जैसलमेर का काफी नाम सुना था, इस बार आ भी गए। ये बहुत ही शानदार शहर है, ये छोटा सा शहर है, उसके बावजूद यहाँ पार्किंग की कोई खास व्यवस्था नहीं है, जिसे घूमते जाते समय गाड़ी पार्क करने में परेशानी होती है। किले के पास एक जगह पार्किंग है, लेकिन वहाँ भी कोई खास व्यवस्था नहीं है। पार्किंग में भी मनमर्जी से वाहन खड़े हो जाते हैं। पार्किंग से गाड़ी निकालते समय भी खासी मशक्कत करनी पड़ती। ब्रजेश देशी सैलानी, जैसलमेर में घूमने का अपना अलग ही मजा है। यहाँ भ्रमण पर आने वाले सैलानियों के लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। हालांकि पिछले बार मैं जब आया तब जाम में बुरी तरह से फंस गया। इस बार वन वे कर जरूर राहत दी गई है, लेकिन वाहन पार्किंग के लिए फोर्ट के पीछे की जगह अब छोटी पड़ रही है। स्थानीय प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत। MS धनौती, देशी सैलानी, जागरूक टीवी की जैसलमेर से खास रिपोर्ट।